आज हम सभी पढ़ेंगे राग की रस्सी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्जाम के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं राग की रस्सी शीर्षक लोक कथा से। लोनपोगार। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा है। सोनरसेन गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ है, उनके लिए चिंता का विषय बना। कारण यह था कि वो बहुत भोला था। कहते ना, भोला है लड़का। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। बहुत ही भोला था, होशियार नहीं था उनका लड़का। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद उसका काम कैसे चले। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा। क्या कहा? तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। मोरना क्या? वरना मैं उसे घर में घुसने नहीं रहा। किसने कहा? उनके पिताजी ने कहा। उनका नाम लोनपोगार है, और लोनपोगार उनके तो ठीक ना, उनके उनके बेटे का नाम अभी यहाँ शो नहीं कर रहा है, बाद में बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? वो शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो जौ के खरीदने के लिए उसके पास क्या नहीं थे, रुपये पैसे नहीं थे, तो क्या करे? इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे वो बैठ गया, मायूस हो गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आने लगा, क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। ठीक है, वो बहुत दुखी था। तभी उसके पास से एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? किसने कहा? लड़की ने कहा, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने इसमें इतना दुखी होने की इसका हल निकाल देती। कि कौन बोला हल निकाल देती? उस लड़की ने बोला राह चलते हुए। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपये मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। लोनपोगार के बेटे को क्या लगा? उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्हें ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों को उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरी लेकर ही लौटना। अब तुम दोबारा मतलब फिर से उनको भेजा, उनके साथ जौ के 100 बोरे ही लेके लौटना, नहीं तो मत आना घर। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। कहाँ बैठा? एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने क्या किया? उस लड़की ने भेड़ों के सींग काट लिए। उसने भेड़ों के सींग काट लिए दूसरी बार में। पिछले फर्स्ट टाइम में उन्होंने उसके बाल काट के दे दिए, अब दूसरे बार में भेड़ों के सींग काट के दे दिए। और उससे जो रुपये पैसे मिले उससे उन्होंने 100 बोरे खरीदे जौ के, और उस लड़के को लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा बहुत ही खुश हुआ। ये मेरे पिताजी मुझे शाबाशी देंगे। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। पर हुआ यूं कि सुनकर लोनपोगार बोले, क्या बोले?
उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी। लड़की ने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी लड़की ने? लड़की ने एक शर्त रखी। लड़की ने शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। ठीक ना? लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर दी। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर उस रस्सी के आकार, उसके सेब के आकार का राख वहां बच गया। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उनसे ले गई और उसे पहन उन, उनको पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए। क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए। जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। वो पहले ही जानते थे कि राख की रस्सी को पहनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाथ लगाते ही वो टूट जाएगी। लेकिन लड़की की समझदारी और सूझबूझ के सामने उनकी एक भी नहीं चली, क्योंकि लड़की थी चालाक चतुर। ठीक ना? बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे को वो बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कहानी, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए कहा, तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो, उसे कागज में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चीट को एक डिब्बे में। ये एक एक्टिविटी है जो कि एनसीईआरटी बुक्स में हर जगह दिया है। तुम शेर, मैं सवा शेर, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए। तुम शेर, मैं सवा शेर, ये एक क्या है? मुहावरा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लेसन के लिए, आपके लिए नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे और इसको ध्यान पूर्वक आप सब भाई बहन जो भी हैं सभी सुनेंगे। लेट अस स्टार्ट। नाइमा, डावा, मिगमार, लाखपा, लुखू, फुदोर जी, ये क्या है? ये कोई खाने की वस्तु नहीं है और खाने की वस्तु की कोई रेसिपी नहीं है। ये क्या है? ये तिब्बती बच्चों के कुछ नाम है। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चे को। जो बच्चा रविवार को जन्म लेता है उसे नाइमा कहा जाता है। और नाइमा का जो मुख्य जो मतलब होता है, उसका जो मीनिंग होता है, शब्दार्थ होता है, उसका मतलब होता है सूरज के, सूरज देवता या देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी। उस दिन के देवता का अगर बच्चे का नाम उसके जैसा रखेंगे तो सूरज जैसी शक्ति मिलेगी। और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा तो वो शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी उसके अंदर। उसी प्रकार एक और नाम है जिसका है डावा। डावा का मतलब होता है जिसका जन्म सोमवार को हुआ, अर्थात। और डावा जो नाम है ये लड़का का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं हो रही है। तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। ठीक ना? तिब्बती में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार भी होती है, चांद भी होती है। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं, जैसे कि बहुत ही फेमस नाम है और बहुत लोग रखते हैं तिब्बत में, दोलमा नाम बहुत मिलता है। ये बुध के स्त्री रूप पर तारा का ही तिब्बती नाम है। बुध के स्त्री रूप, ठीक ना, तारा का ही तिब्बती नाम है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की छत, ठीक है, इसी का एक भाग है। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है जिस इलाके में वो लोक कथा सुनाई जाती है। उसी प्रकार राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। समझ रहे हैं ना बात को? पहाड़ से ऊंचा, पहाड़ से नीचा और मैदान से ऊंचा,
मतलब इस दोनों के बीच में मध्य रूप में रहते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। और एक खासियत है इन पहाड़ों की यह है कि ये पहाड़े बहुत ही कलरफुल होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं, पीले होते हैं, बैंगनी होते हैं, गुलाबी होते हैं, गेरुआ होते हैं और हरे होते हैं। कहते हैं ना, ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में रंग भरते हैं, मनचाहा रंग भर देते हैं। पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं जो कि ईबियत के रिलेटेड। नाउ द सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखी अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। कारण क्या है इस पहाड़ों का रंग में बदलना और रंगों में चमकना? कारण है सूरज की बढ़ती हुई और घटती हुई किरणों के पड़ने से होता है। रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, ओके, रेयर फ्रैक्शन रिफ्लेक्शन। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, नमी बहुत कम है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। बरसात भी कम होती है, बर्फबारी भी कम होती है। मौसम बहुत ही खुश्क मिजाज का है, पेड़ पौधे बहुत नहीं होते। तिब्बत का पूर्वी भाग ये ऐसा है जहाँ जंगल पाए जाते, उन जंगलों में पेड़ पौधे पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। कितने झीलें हैं? 1500 झीलें हैं तिब्बत में, 1500 झीलें हैं। और ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। कैसे झीलें बनती हैं? बर्फ पिघलने से बनती हैं, ओके। तिब्बत की हवा कैसी है? नमी बहुत कम है, नमी बहुत कम है, यहाँ बरसात बर्फबारी कम होती है, कम होती है। खुश्क मौसम, मौसम का मिजाज खुश्क है, पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। लेकिन तिब्बत के जो पूर्वी भाग है ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं, ओके। जंगलों में पेड़ पौधे पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं, ठीक। तिब्बत की मिट्टी कैसी है? तिब्बत की मिट्टी रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली है, कहीं लाल पीली कहीं काली, याद रखिएगा इस चीज को। मानसरोवर बहुत ही फेमस है, मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम क्या है? सांगपो नदी निकलती है काफी ऊंचाई पर, ठीक ना। बांग्लादेश में यही ब्रह्मपुत्र को हम लोग जमुना भी कहते हैं। काफी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ही ठंडा प्रदेश। कैसा प्रदेश है? तिब्बत बहुत ही ठंडा प्रदेश है, मैंने पीछे पहले भी बताया। और यहाँ की जो सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया और ऊपर से तेज ठंडी हवा चल रही है। इसलिए वहां के लोग हमेशा भारी भरकम कैसे कपड़े पहनते हैं? वहां के हमेशा भारी भरकम कपड़े पहने रहते हैं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की जो कारीगरी है, मतलब टेक्निक जो है, लकड़ी के बने हुए बहुमंजिले घर हैं। लोग अब पत्थर मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे, खिड़कियां भी अधिक बनाई जाती हैं, और खिड़कियां भी इसमें बहुत अधिक बनाई जाती हैं, सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर झुकी रहती है। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर ल्हासा है। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ये दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कौन सा शहर दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है? ल्हासा 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ओके। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बतों का दिल माना जाता है। ल्हासा को क्या माना जाता है? तिब्बतों का दिल माना जाता है। इसी तरह ये कहानी यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।